आदरणीय सारे गुणी वृंद, राग विद्या दे मरमग ते अपनी स्मृति विच लियांदे होए संत बाबा सुचा सिंह जी नूं नतमस्तक हुंदे होए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज दा जो मेरा विषय है, गुरमत विच रागी दे अथवा कीर्तनीय दे गुण। संखेप दे विच आपां गुरमत शब्द नूं देखिए, तो दो शब्दां दी संधि तों इह शब्द बनिया है, गुर ते मत। मत नूं असी पंजाबी दे विच मम्मा तत्ते नूं सिहारी लिखदे हाँ। गुर शब्द कई जगह गगे नूं औंकड़ ते रारे नूं सिहारी आया है, कई जगह गगे नूं औंकड़ रारे नूं औंकड़ आया है इत्यादि। तो भाव अर्थ विच असी इस तरह लैना है कि गुरमत दा अर्थ लैना है गुरु मैने ज्ञान, तो जो अज्ञान दे अंधकार विच प्रकाश करे, तो प्रकाश दा मंबा वो जगमग जोत, शब्द जोत, रब्बी जोत, उपदेशात्मक जोत, दस गुरु साहब जी दी ओ उपदेश दी जो असी झलक देखनी है वह है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। सो गुरमत दा अर्थ आपां इह लैणा है, मत मैने समझ अकल। शरीर विच भी सारी जो सार अंश विज्ञानकां ने न्यूरोलॉजिस्ट ने दसिया है वह बुद्धि दसी है, दिमाग, दिल तो जरूरी दिमाग है। तो असी गुरमत दा अर्थ की लैणा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अनुसार अपनी समझ नूं टालना, उस सांचे विच लियाना। मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सुन सिंचहो सुधा संजोर। सुधा अमृत नूं कहा जाता है। तो गुरमत विच रागी दे गुण, रागी कीर्तनिया ढाडी संगीतकार गुरमत दे अनुसार, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो रागी दा अर्थ की है, सुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रागी। तो गुरु ग्रंथ साहिब विच वैराग शब्द भी आया है, तो ये रागी शब्द भी आया है। तो इत्थे असी रागी जी दे गुण तो सारे रागी जन बैठे ने, पर मैं अंतरीव दृष्टि नाल कुछ जो मेरे चिंतन विच आया है, बाकी इस परचे विच लिखिया होया है, तो वो ये है। जिस तरह दशमेश पिता जी ने फरमान किया है, बाजे परम तार रस हर को गुण गाए रंग रागी। बाजे परम तार तत हर को उपजे राग रसारंग, ये पंक्ति है। बाजे परम तार तत हर को उपजे राग रसारंग, तो राग शब्द आया। तो वैराग विच भी वैर तो बाद राग है, अनुराग विच भी है, वियत राग विच भी है। जह बिखिया सगली तजी लियो भेख बैराग, तो भेख की है जो असी लिबास पहनते हाँ। तो राग जो है, कीर्तन जो है, ये साढ़े पहले अंदर एक आत्मा तो उत्पन्न होता है। एक मिथ्या आत्मा है, एक गौण आत्मा है, एक मुख आत्मा है। मिथ्या शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सुखमनी साहब विच भी आया है, गुरु तेग बहादुर जी की बाणी विच भी, होर विच भी, पर मैं मुख विषय राग दे विषय नूं लै रही हाँ। रागी दे गुण, उस विच ये गुण प्रगट किस तरह होने, इसकी शुरुआत पहले तो परमात्मा की कृपा। पूरब करम अंकुर जब प्रगट्यो भेट्यो पुरख रसिक बैरागी। अंदर वैराग की भावना, राजा जनक जी ने अष्टावक्र जी ने जो उपदेश दिता तो उन्होंने अंदर भी एक राग सी। रहराज साहब जी की बाणी अंदर, तो असी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर एक पंक्ति पढ़ते हाँ, गावन दुदनो पवन पाणी बै संतर गावै राजा धर्म द्वारे। गावन तुदनो चित्र गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। इसका मतलब धर्मराज जो गुप्त रूप विच इनविजिबल, देयर इज सम एग्जिस्टेंस, जो तो असी सुन सकते हाँ। तो ये बनस्पति जो है, जिस वेले भाई मरदाना जी गुरु नानक देव जी के दे चरणों में बैठ के इसनों पहले अंदरों सुनते सी, अरशी प्रीतम फरशां ते आके जो सुनाया तो वो इस खंड विच ब्रह्मांड तो सुनते सी। तो ये खंड जो है ये छोट साडा वड्डा है और ब्रह्मांड छोटा है। हुण तां विज्ञानिकां ने भी ये दस दिता है कि जो शब्द है वो अजे भी जे गीता दी आवाज़ नूं श्लोकां नूं असीं सुन सकते हाँ तो असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उस धुन नूं भी राग विद्या के द्वारा अथवा अंदरले एक
सिमरन दी सूक्ष्म जिसनों आहत नाद ते अनाहत नाद दे रूप राग दे रूप कहे ने तो अनाहत शब्द दा अर्थ की हुंदा है हत शब्द हन धातु तो बनया ना हन्य ते हन्य माने शरीर शरीर दा हनन हुंदा है जो इसके अंदर धुन है जो इसके अंदर शब्द है तो शब्द दा अर्थ लक्ष्य अर्थ की लेना है जो परम अर्थ है असी परमार्थिक सत्ता कहते हाँ तो बाणी दे विचार रूप ने इंसानी बाणी दे चोले विच विचार रूप ने बैखरी मध्यमा पशंती ते परा उस तो बाद परा वाणी है जिसनों प्रकृष्ट परमात्मा दी बाणी किया जाता है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी है गुरमत अर्थ की है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी साढ़े गुरु ने और जो उन्होंने कहा आप पहला अक्षर संखेप विच लिए तो वह है एक ओहंकार तो ओहंकार एक धुन एक एक राग अलप है एकादशी एक दिखावे जो सारे पासे व्यापक है तो एक दिशा उपदेश शब्द भी आया है उपदेश का की अर्थ है सुन उपदेश पए मन निर्मल तो राग सत सुरां दे विच ते इस विच कोमल सुर विकृत सुरां दा सुमेल करके जो दशमेश पिता जी ने कहा है बाजे परम तार तत् हर को एक परम तार साढ़े अंदर है तार मैंने लिव सुरत वो सुरत का अर्थ की है दो शब्दों के जोड़ तो सुरत शब्द बनया है सुरती पंजाबी विच गुरमुखी विच सुरत बोल सुरत बोलांगे पर हिंदी विच इसनों सुरती कहिंदे ने गुरु नानक देव जी ने नाथा नूं भी समझाया होर जोगियां सिद्धां नूं भी समझाया पमन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत मन मत शब्द गुरु सुरत धुन चेला तो धुन का सुरत का तो राग का बड़ा गहरा संबंध है तो पहले इस राग को भाई मरदाना जी ने सुनिया तो जिसनों सुनना आ गया ना सुनना आ गया उसनों पंडित भीमसेन जोशी की एक बार छोटे होंदया इस शरीर इंटरव्यू सुन रहा सी तो उन्होंने कहा मेरे उस्तादा ने मेरे बुजुर्ग मैनू छड़ आए दो साल मेरे उस्तादा ने मैनू पूछया तक नहीं भी तू है कौन स्टेज पर बिठाना तो बड़ी दूर की गल है तो गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब के विच भी सुनन की साधना दसी है सुने है सिद्ध पीर सुर नाथ सुर शब्द आया है सुर मैंने देवता इस सत सुरां दा जो सुमेल है ये देवता श्रेणी सानू ले आंदा है असी सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया जीओ तो इसलिए अमृत शब्द अर्थ की है जो मृत्यु तो रहत है तो रागी विच गुण की होएगा कि पहले वो निराग नूं सुनन दी एक परमात्मा तो बख्शिश लेगा तो पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे हो तो जिसनों राग विद्या का सानिध्य मिलता ना उस विच देश काल वस्तुगत परिस्थितियां ते व्यक्तिगत परिस्थितियां चार चीज़ा चाहिए जिस तरह असी गहरी निंद्रा दे विच अपनियां इंद्रियां नूं व्यवहार तो मन दे व्यवहार तो कर्म इंद्रिया के व्यवहार तो विचारों संस्कारों व्यवहार में व्यवहार के विकारों सारियां प्रकृति एक नियमबद्ध करके सानू एक विश्राम देंदी है और सुखमनी साहब जी की बाणी विच भी ये पंक्ति आई है भगत जना के मन विश्राम कह कि सारियां दे उत्ते उस जिसका अंतकरण उस सुर नाल जुड़ गया सा साधे सब साधे तो सा सुर नूं सुनना तानपुरा ट्यूनिंग करना पहले वाजे नाल तो गाण ही नहीं देंदे सी थोड़े जे पेपर एग्जाम इस शरीर ने आपे ही परमात्मा ने जां मेरे उस्ताद जी की कृपा नाल दिते गए राग विद्या दे तो मैं ना रियाज नहीं किया तो सुनना पहले बहुत वड्डी साधना है सुनन दे लई इसलिए असी रागी दे गुणा विच संखेप विच पहला गुण ये जो लेना है बाजे परम तार तत् हर को अंदर एक साढ़े ब्रह्मांड दे नाल एक तार जुड़ी हुई है हुण ये गुंबज दी वॉइस वालियां दीआं गल्लां मैनूं बड़ियां चंगीआं लगियां ते साढ़े शरीर दे विच भी एक पिरामिड है गुंबज है इसनों मन मंदिर कहा है इंसान अपनी श्रद्धा अनुसार मंदिर बनांदा है साढ़े सिख धर्म के अंदर उस अंदर एक प्रभु ने श्रद्धा जागृत की है श्रद्धा का अर्थ की है श्रद्ध धीति श्रद्धा उच्यते श्रद्ध शब्द सत शब्द तो बनया जो सत नूं धारण करन दी जिसदे सुर विच आवाज़ विच दिमाग विच इस खंड विच जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणमय परम तत् है सतगुरु होए लिखावे तो परम तत् तो पहले साडा संगीत शुरू हुंदा है तो गुरु नानक देव जी ने उन्हों रबी मरदाना उन्होंने बना दिता एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना रब दा अमृत वरसदा तो साढ़े इत्थे मन मंदिर विच ना इस दसम द्वार विच तुसी सारे जानदे हो जदों असी सा सुर लांदे हां तो नाभी
ਸਾਡਾ ਹਿਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਚੱਕਰ ਦੋ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਠ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਔਰ ਕੰਠ ਹਿਰਦੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਠ ਔਰ ਕੰਠ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਝਰਨਾ ਝਰਦਾ ਨਿਚਰੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਝਰਨਾ ਝਿਰਦਾ ਨਿਚਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਅਕੜ ਕੜਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀ ਜੋ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਵਾਂਟ ਵਨ ਡਰੋਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੂ ਕੰਚ ਅਵਰ ਥਰਸ ਦ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲਿਸਨ ਵਨ ਡਰੋਪ ਆਫ ਦੈਟ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਛਪ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਛਪ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਚਨਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਬਾਜੇ ਪਰਮ ਤਾਰ ਤਾ ਥਾਰ ਕੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਬੰਧਾ ਲੰਗਾ ਜੋ ਸੁਰ ਵੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੰਧਰਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ੀ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਨੋ ਬਿਫੋਰ ਸਮ ਬਿਫੋਰ 13 ਈਅਰਸ ਵੀ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨਾ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਇਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ ਮੈਂ ਬਨਜਾਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਨਜਾਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਅੱਖਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਅਰਥ 'ਚ ਇੱਕ ਜੈਤੀ ਅਜੈਤੀ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੈਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਆਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸੁਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰ ਅਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਕਾਰ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਗਟੇ ਤਾਨ ਤਰੰਗ ਰੰਗ ਅਤ ਤੋ ਅਤੀ ਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਗਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਪਰ ਬੂੰਦ 'ਚ ਸਾਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਚਾਰ ਮੂਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਾਰ ਮੈਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਕਮਲ ਬੁਝੇ ਵਿਧ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਗ ਵਿੱਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਲ ਸ਼ੌਂਕ ਮਾਹੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਰਹੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਚੜਦਾ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 8th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਰੀਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਹੈ ਜਮੁਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਮੇਰੀ ਚੰਬੇ ਦੀ ਵਾੜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵਾਈਬਰੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਦਿਸ ਵਿਦ ਕੋਸਮੋਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਗਲੈਕਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਫੈਕਟਿਡ ਦੈਟ ਉਸ ਧੁੰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਧੁੰਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰਾਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕਹਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਿਨ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਕਹਿ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਸ
इस पिंड तो सुनी है तो फिर ये मन मंदिर विच कोई अपन गांधे पाठाठ तीर्थां ते नहीं जा सकते पर एक शब्द मेरे प्राण बसता है बाहुड़ जन्म नामा ओ एक सुर दे विच एक साज अंदर हो जाए साज ही अंदर बज दे अंदर भी साज है वाजा मत पखावज पाओ होए आनंद सदा मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया सो सुनना आपा पहले मंगिए कि किसी कीमत ते भी सानू कोई ऐसा संयोग मिल जाए कमन संयोग मिलो प्रभ अपने तो पल पल दी ये साधना है पर ये निमक निमक दी साधना है ये श्वास श्वास दी साधना है तो संखेप विच रागी दे गुण की ने कीरति कीरत शब्द तो कीरति शब्द बनया और रति शब्द नू की जदों असी करता पुरख दे विच नाल जुड़ के प्रेम विच उसका यश गायन कर दे उसकी उस्तत नियम है कि शीशे दे सामने शीशा सतोगुण का कारज है मन नाले दी दृष्टांत है मन सतोगुण का कारज है इंद्रियां रजोगुण का कारज ने तो ख्याल पातशाही दसवीं साडा मन ख्याल ही राग लाभ दे सुर करते करते तेरा ध्यान कितने चला गया सी तो जागृत अवस्था च जीवात्मा का स्थान नेत्र ने इस करके उन्होंने कन्ना नाल एक संबंध है मैंने वो गल बड़ी चंगी लगी कि हर चीज़ साढ़े ते एक असर आवाज़ असर पाती है इसलिए शांत एकांत होए एकांत रहे एकांत एको मन वस्या असा माय निरासो जो एक ओंकार का उपासक है जो एक ओंकार का मनन चिंतन करने वाला है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का उपासक है उसके अंदर राग है ही कैन सिंग ये साड़ी जाति है राग साड़ी जाति साड़ा हक साड़ा विरसा है तो इसनों कभी अनहत मैंने इसनों मारिया नहीं जा सकता समय समय से जुलम से जबर दियाँ ताकत ने इसका जनाजा कढ़न की कोशिश की पर तानसेन वर्गे स्वामी हरिदास जी वर्गे बैजूबार वर्गे और साड़ी सिमरती तो ना भी सिमरत होने वाले साढ़े गुरु नानक देव जी का वो अनाहत राग एक ओहंकार तो शुरू होता है और 18, 10, 20 सो बैराट समुंदर है मैं तो एक किनका सारे गुणी जनों तो लेना चाहती हाँ इस आकंक्षा विच मैं फिर उस सुचा सिंह जी को प्रणाम कर दी हाँ मेरे फिर चेते विच आ गया कि समय की अवहेलना करनी नहीं चाहिए पर एक बार शरीर थोड़े साल पहले अपने विद्या गुरु जी के नाल विद्यादाता जी के नाल रितवाड़ा साहब की स्टेज तो उतरे तो मैं संत जी ने उतरदे ही कहिंदे तुसी ना उत्थे लुधियाने आयो तो मैं अपने उस्ताद के चरणों में बैठन करके थोड़ा सहमी सहमी रहिंदी सी डर नाल भगती अपने आप ही ऐसा लगता सी कि किते कोई गलती ना हो जाए उस्ताद नाराज ना हो जाए छोटे होंदिया शरीरक माता जी ने एक सिक्ख्या दी कि जो दशमेश पिता जी की तस्वीर देखते हो एक अरदास करना कि ये मेरे वाल नज़र सुवली करन सुवली जा तू मेरे वल है तो क्या हो चंदा तो शीशा सतोगुण का कारज है शीशे के सामने जो दिखाओ वह दिसद इस तरह ही मन सुर के नाल सतोगुणी हो जाएगा आटोमैटिक ही सुनने वाले इसलिए इसनों पवन तो पानी तो बैसंतर तो वहदे जल तो ये सुनन की साधना उदों आएगी और ये साधना फिर सुत्तियां भी मिलेगी सुत्तियां भी सुपने विच भी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए न सका तुझ कन प्यारे भेज न सका कोई भाई वीर सिंह जी की पंक्ति है सुपने विच तुसी मिले असानू तो भावो ही विद्या ते देवा भावां दा मन बनिया होया विद्या ते देवा मैंने दिव्य शक्ति दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव तो मैं नहीं जी दो बार मैं अपने उस्ताद जी ना गई जवदी तो उत्थे मैं बाबा जी ने कहा मैं क्या भाई मैं गाना नहीं आता मैं सुनती हाँ थोड़ा तो पर कहते नहीं जो रागी का बच्चा रोंदा भी है ना चाहे वह ना भी अभ्यास करे वो रोण विच भी एक अंश विच खून विच कतरे विच भी असर आ जाता तो रोंदा भी सुर विच है तो तुसी आयो जरूर तो उन्होंने सानू बहुत उत्थे निवाजिया सो मेरी सिमरती विच उन्हां दी भी एक मिठी याद है और उन्हां दीआं घड़ियां मूर्तां कोई कहिंदा मिट्टी दी मूर्ति नूं असीं नहीं मनदे कोई कहिंदा मैं ठाकुर जी देखे सनातन धर्म दे अंदर कहिंदे देखो जी मुझे महाराज जी देखी मैंने कृष्ण जी की मूर्ति लेके आई हूँ तो कृष्ण जी की मूर्ति सब सत्कारयोग ने पर जिहड़ियां एक उस्ताद दे कोल बैठ के रब दीआं मूर्तां घड़ियां जांदीआं मिट्टी विच एक रतन नू राग नू जागृत कर देना राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया तो बिरतियां परियां बन जांदियां एक खून दा कतरा फिर उसनू सुनदा है इसलिए मैं उन्हां दीआं घड़ियां जो ये मूर्तां ने गुरु नानक साहब जी ने क्या वर दे दिओ तुहाडी सेवा कीती कहिंदे उजड़ जाओ उजड़ जाओ दा मतलब की
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਥ ਲੈਣਾ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੀ ਵਿਖਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਗ ਵਿੱਦਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਖਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰੰਗ ਰਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ